The Total Money Makeover, ये किताब 7 सरल स्टेप्स में हमें अपने जीवन में फिनेंशियल सिक्योरिटी हासिल करने में मदद कर सकती है और एक आरामदायक व संतुष्ट रिटायरमेंट के लिए तैयार करना शुरू कर सकती है। दोस्तों, इस किताब के ऑथर हैं डेव रैमसे, जो एक अमेरिकन ऑथर, रेडियो होस्ट, टेलीविजन पर्सनालिटी और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। दोस्तों, ये किताब हमारी फिनेंशियल सिचुएशन को बेहतर बनाने की एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है, द टोटल मनी मेकओवर। हाँ दोस्तों, किस तरीके से अपनी फिनेंशियल हेल्थ को रिवॉल्यूशनाइज करें। फिनेंशियल सिक्योर होने के लिए एडवाइस ढूंढना स्ट्रेसफुल हो सकता है। यहाँ पर फिनेंशियल गुरुज का एक ग्रुप है जो हमें बता रहे हैं दोस्तों कि किस तरीके से आप कुछ सिंपल स्टेप को फॉलो करके मिलेनियर बन सकते हैं। इसमें से कुछ एडवाइस तो बेतुकी बातें हैं, लेकिन कुछ नहीं है दोस्तों। आपको लग सकती है कुछ बातें ऐसी, पर ये है तो सच्ची। ये समरी एक सीधा और सिंपल प्लान बताती है दोस्तों कि फेमस फिनेंशियल एक्सपर्ट डेव रैमसे की एडवाइस पर जो किताब बेस्ड है और बहुत पॉपुलर है, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप इनके प्लान को फॉलो करेंगे तो आपके पास अपने फिनेंसेस को एक ऑर्डर में हासिल करने का एक चांस होगा दोस्तों, और आप फिनेंशियली सिक्योर भी होंगे। यानी फिनेंशियल फिटनेस पर पहुंचना, जैसे कि हम सबका ड्रीम होता है, वो चीज अचीव करना। आपकी फिनेंशियल सिक्योरिटी एक इल्यूजन है और यही टाइम है कि आपके लिए एक्शन लेना बहुत जरूरी है। हाँ दोस्तों, आपकी फिनेंशियल सिक्योरिटी एक इल्यूजन है और यही टाइम है कि आपको एक्शन लेना बेहद जरूरी है। आइए इस पॉइंट को समझते हैं। क्या आप कह पाएंगे कि आप फिनेंशियली कंफर्टेबल हैं? हमें से बहुत से लोग फिनेंसेस के बारे में सिक्योर फील करते हैं, यहाँ तक कि हम सबके पास एक्स्ट्रा डॉलर्स जो होते हैं दोस्तों। आपके पास शायद जॉब होता है और शायद एक कार और घर, और तब हमें फिनेंशियल डिफिकल्टीज कोसों दूर लगती है। तो दोस्तों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितना सिक्योर फील करते हैं। इस मूवमेंट पर फिनेंशियल इनसिक्योरिटी आपकी सोच से भी ज्यादा बड़ी हो सकती है। इमेजिन करिए कि अचानक आपकी जॉब छूट गई है, आप क्या करोगे? क्या आप अपने बिल्स पे करने में एबल होंगे? दोस्तों, अनलाइकली। फिनेंशियल सिक्योरिटी हमारी सोच से हमेशा ज्यादा इल्यूजनरी होती है। एग्जाम्पल के लिए ऑथर की क्लाइंट सारा को ही ले लीजिए। शादी के बाद वह और उसके हस्बैंड ने अपनी जॉइंट एनुअल इनकम $75,000 कैलकुलेट की थी, और उन दोनों के ऊपर कुछ ही डेट ऑब्लिगेशन थे दोस्तों। वे अपनी अर्निंग्स और डेट के साथ कंफर्टेबल फील करते थे। वे अपने घर पर एक बड़ा कर्ज लेने के लिए आगे बढ़े। लेकिन क्या ये ठीक है दोस्तों? क्या ये राइट है? वे इसे अफोर्ड तो कर सकते थे, पर क्या सच में उनको ऐसा करना चाहिए था? एक दिन सारा ने पाया कि वह $45,000 पर ईयर लॉस में जा रही है। सडनली उनका घर उनके हाथ से निकल रहा था दोस्तों। जैसा कि सारा के केस में, अचानक से आया हुआ फिनेंशियल झटका हमें बड़े स्ट्रेस में डाल सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? देर होने से पहले ही हमें एक्शन ले लेना चाहिए अनप्लेजेंट सरप्राइजेस को अवॉइड करने के लिए। अब चीजों को बदलिए दोस्तों। सेंस ऑफ अर्जेंसी को फील करना इजी नहीं है, या यह सोचने की बजाय सिंपली चीजों को होने भी दे सकते हैं कि जैसे कि जब तक की बात बिगड़ ना जाए फिर उसके बाद ही कदम उठाएंगे। हाँ दोस्तों, हम ज्यादातर ऐसे सोचते हैं, अभी तो बात ठीक चल रही है तो अभी क्यों ऐसा कदम उठाएं, जब बात बिगड़ेगी तब सोचेंगे। लेकिन ये टोटली इरिस्पॉन्सिबल स्टेप होता है दोस्तों। फिनेंशियल डिफिकल्टीज कई बार आपके सर पर मंडराती रहती है। इससे पहले आप इसे जाने या समझे, तब तक आप पर मुसीबत पूरी तरीके से टूट पड़ती है दोस्तों। एग्जैक्टली यही अभी आपके साथ भी हो रहा है। आपकी फिनेंशियल सिक्योरिटी धीरे धीरे बर्बाद हो सकती है, शायद आपको इसका आइडिया भी ना हो दोस्तों। तो यही वक्त है कदम उठाने का। कर्ज लाइफ में एक फैक्ट की तरह शामिल है, लेकिन हमें इसके रिस्क और खतरों को समझने की जरूरत है। हाँ दोस्तों, कर्ज लाइफ में एक फैक्ट की तरह शामिल होता है, लेकिन हमें इसके रिस्क और खतरों को समझने की जरूरत है। आइए दोस्तों, इस पॉइंट को डिटेल में समझते हैं। हमारे इस मॉडर्न वर्ल्ड में हम हमेशा ये साहस करते रहते हैं कि हम बाहर जाएं और चीजों को खरीदें, जैसे घर, कार, एक बड़ा टीवी, जो भी हम चाहते हैं वो हम खरीदें। और हकीकत में हम इन सब चीजों के लिए कैसे पे करें जो कि हमारे पास होनी चाहिए दोस्तों? बेशक क्रेडिट कार्ड या मनी से ही करते हैं हम ऐसा। तो दोस्तों, कर्ज हमारी लाइफस्टाइल में, यानी क्रेडिट लेना हमारी लाइफस्टाइल में इस तरीके से समाया हुआ है कि इसके बिना हमारी लाइफस्टाइल को इमेजिन करना ही मुश्किल हो जाता है। शायद आप पर भी कर्ज का एक अच्छा खासा अमाउंट होगा दोस्तों, चाहे वह स्टूडेंट लोन हो, चाहे वो मॉर्गेज हो, चाहे वो क्रेडिट कार्ड का कर्जा हो या कार की पेमेंट्स हो। तो असल में कर्जा हमारे समाज में बहुत डीपली समाया हुआ है दोस्तों। तो ऑथर के एक क्लाइंट पर $72,000
प्रॉपर्टी रेंटल डेट और $35,000 क्रेडिट कार्ड लोन और स्टूडेंट लोन होने के बाद भी वह ओके फील करता है। हालांकि कर्ज हमेशा मौजूद रहता है, पर यह यकीनन फिनेंशियल हैप्पीनेस का रास्ता तो बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, और इसके बजाय यह सीधा हमें फिनेंशियल डिफिकल्टी में ले जाता है। तो आइए डेट यानी कर्जे की एक कॉमन फॉर्म के बारे में जानते हैं, जो कि क्रेडिट कार्ड होती है दोस्तों, जो हमें हमारे पास फ्री मनी होने का एहसास करवाती है और यूजर्स को खर्च करने की इनक्रेडिबल पावर देती है। हालांकि लॉन्ग टर्म में यह हमारी फिनेंशियल स्ट्रेंथ को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। तो अमेरिकन बैंक्रप्सी इंस्टीट्यूशन के अकॉर्डिंग 69% लोग जो बैंक्रप्ट यानी दिवालिया हो जाते हैं वह सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट कार्ड डेट की बदौलत होते हैं दोस्तों, 69% लोग। तो इंटरेस्टिंगली बहुत सारे लोग डेट का यूज दौलतमंद दिखने के लिए करते हैं, जबकि सही मायने में दौलतमंद लोग कर्ज को कंप्लीटली अवॉइड करते हैं। इनफैक्ट फोर्ब्स की 400 लोगों की लिस्ट में से 75% लोग मानते हैं दोस्तों कि दौलतमंद बनने का सबसे अच्छा तरीका है कि हमें कर्ज मुक्त रहना चाहिए, यानी कि डेट फ्री रहना चाहिए। और बहुत सी सक्सेसफुल कंपनीज जैसे कि वॉलग्रीन्स और सिस्को से लेकर हार्ले डेविडसन बिल्कुल डेट फ्री चल रही है। अगर ये कंपनीज और इंडिविजुअल कर्ज के बोझ के बिना सक्सेस पा सकते हैं तो क्या हम भी ऐसा नहीं कर सकते दोस्तों? तो स्टेप वन है फाइनेंशियल फिटनेस के रास्ते पर चलते हुए सबसे पहले इमरजेंसी स्टार्टर फंड क्रिएट करना जरूरी होता है, इसको शामिल करना चाहिए। हाँ दोस्तों, स्टेप वन है फाइनेंशियल फिटनेस के रास्ते पर चलते हुए सबसे पहले इमरजेंसी स्टार्टर फंड क्रिएट करना शामिल होता है दोस्तों इसमें। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। अब तक हमने फाइनेंशियल सिक्योरिटी को सिक्योर करने का एक भी तरीका सेट नहीं किया है। क्रेडिट का यूज करने की हम कोशिश कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? आपको स्टेप बाय स्टेप प्लान बनाकर उस चार्ट को बनाना चाहिए जो फाइनेंशियल फिटनेस की ओर ले जाता है। हालांकि आप जानते हैं कि आपको अपने फाइनेंसेस को बदलने की जरूरत है, आपको यह भी रियलाइज करना चाहिए कि आप एक ही बार में सब कुछ बदल नहीं सकते हैं दोस्तों। इसके बजाय आपको अपने आप को धीरे धीरे आगे बढ़ाना होगा। एक टाइम में एक छोटी स्टेप उठाइए दोस्तों, एक टाइम में सिर्फ एक छोटी स्टेप उठाइए। जरा सोचिए, अगर आपको एक हाथी खाना होता है तो आप इसे एक ही बार में ट्राई करने की कोशिश नहीं करते हैं दोस्तों, वन बाइट एट अ टाइम, ऐसा ही तो होता है। आप शायद डेली एक एक पैर से स्टार्ट करेंगे, फिर सूंड की तरफ जाएंगे, फिर बॉडी, ऐसा थोड़ा थोड़ा करके आप उसको खाएंगे। वैसे हाथी कौन खाता है, ये सिर्फ एग्जाम्पल है दोस्तों। तो दोस्तों, आप अपने फाइनेंसेस के साथ एक ही सेम अप्रोच लेना चाहते हैं। अगर आप एक ही बार में डिफरेंट एरियाज पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, उदाहरण के लिए आपका मॉर्गेज, क्रेडिट कार्ड और आपके बाकी के खर्चे, तो आप अपने एफर्ट्स को कमजोर कर रहे हैं दोस्तों और लास्ट में फेल हो सकते हैं। इसलिए स्लोली चलिए और आगे बढ़ते जाइए। हाँ दोस्तों, स्लोली चलिए और आगे बढ़ते जाइए। लेकिन आपको कहां से स्टार्ट करना होगा दोस्तों? आपके टोटल मनी मेकओवर पर फर्स्ट स्टेप एक स्टार्टर इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है, जिसमें कि सेविंग के तौर पर $1,000 डाले जा सकते हैं। तो असल में मनी मैगजीन का अनुमान है कि हम में से 78% लोग किसी भी 10 साल के पीरियड में एक अनएक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी या कार प्रॉब्लम जैसी मेजर नेगेटिविटी का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ऐसा होने पर हम सभी को प्रिपेयर्ड रहना चाहिए दोस्तों, और जबकि $1,000 से इतना कुछ कवर नहीं होता है, फिर भी एक वैल्यूएबल स्टार्ट है और इससे कर्ज में जाने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी दोस्तों। लेकिन याद रखिए, यह फंड सिर्फ इमरजेंसी के लिए है, और अगर आपको इसमें से कुछ भी लेना है तो आपको इसको जल्द से जल्द रिफिल भी करना चाहिए दोस्तों। स्टेप टू और थ्री है एक एक करके अपने कर्जे को चुकाना स्टार्ट करिए, और जब आप रेडी हो तो अपने इमरजेंसी स्टार्टर फंड को बढ़ाते जाइए दोस्तों। हाँ, स्टेप टू और थ्री है एक एक करके अपने कर्ज को चुकाना स्टार्ट करिए, और जब आप रेडी हो जाएं तो अपने इमरजेंसी स्टार्टर फंड को बढ़ाते जाइए। आइए इस पॉइंट को डिटेल में सुनते हैं दोस्तों। एक बार जब आपके पास अपना इमरजेंसी स्टार्टर फंड सेट हो जाता है तो आप अपने फाइनेंसेस को चारों तरफ से मैनेज करने के रास्ते पर होते हैं दोस्तों। अब आपके कर्ज को खत्म करने का वक्त आ गया है। हर कोई जानता है कि अगर आप जमीन के साथ एक स्मॉल स्नो बॉल को रोल करना शुरू करते हैं तो यह कुछ ही देर में वेरिटेबल स्नो बोल्डर के रूप में बदल जाएगी दोस्तों। जब आप अपने कर्जे को चुकाते हैं तो सेम ऐसा ही होता है। आइए देखते हैं कि कैसे। अपने सभी डेट को साइज के ऑर्डर में लिस्ट करिए, फोन बिल से लेकर मैसिव मॉर्गेज तक सभी को ऑर्डर में लगाइए दोस्तों। फिर सबसे छोटे से स्टार्ट करके उन्हें चुकाइए। जैसे जैसे छोटे डेट गायब होने लगते हैं, फिर आप उन बड़े मैसिव डेट से निपटने के लिए भी खुद को इंस्पायर कर सकते हैं। जब आप अपने डेट स्नोबॉल को रोल करना शुरू कर देते हैं तब फिर आपको अपना फोकस इमरजेंसी फंड पर करना चाहिए दोस्तों। स्टेप थ्री होता है
इस स्टेप का गोल आपके इमरजेंसी फंड को बढ़ाना होता है ताकि यह 3 to 6 months ड्यूरेशन के लिए आपके खर्चों को कवर कर सके। दोस्तों बेशक सभी की अलग अलग खर्चे की जरूरतें होती हैं, इसलिए इसका अमाउंट फिक्स नहीं होता है, हालांकि अक्सर $5,000 से $25,000 तक होता है। दोस्तों चीजों को ज्यादा कॉन्क्रीट बनाने के लिए अगर आपकी फैमिली पर मंथ $3,000 अर्न करती है तो $10,000 या इससे ज्यादा सेविंग करने का एम रखिए। दोस्तों चलिए अब मान लेते हैं कि आप इसमें सक्सीड हुए और आपके पास एक मैसिव इमरजेंसी फंड है। माना कि ये आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के डायरेक्शन में आगे बढ़ाने का भरोसा दिलाता है। अगर आप अपने डेट को चुकाते हैं तो उसके लिए आपको अपनी सेविंग और इमरजेंसी फंड में से कुछ का इस्तेमाल करना होगा, जिसमें से एक इमरजेंसी फंड होगा जो आपको आधे साल तक इससे कवर करता हो। दोस्तों ये आपको अपनी लाइफ को सेव करने और कॉन्फिडेंटली उसे जीने को अलाउ करता है। स्टेप फोर्थ है रिटायरमेंट के लिए खुद के लिए म्यूचुअल फंड में अपनी इनकम का 15% इन्वेस्ट करिए। हाँ दोस्तों स्टेप फोर है रिटायरमेंट के लिए खुद के लिए म्यूचुअल फंड में अपनी इनकम का 15% इन्वेस्ट करिए। आइए दोस्तों इस पॉइंट को डिटेल में सुनते हैं। हर किसी को रिटायरमेंट के बाद फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में बड़ी चिंताएं रहती हैं। दोस्तों हम अपने आप से पूछते हैं क्या हमारे पास अपने गोल्डन ईयर्स में आराम से रहने के लिए इनफ पैसा होगा। तो इस तरीके के डर को दूर करने के लिए हम टोटल मनी मेकओवर के फोर्थ स्टेप में जाते हैं। दोस्तों एक डिग्निफाइड और सिक्योर रिटायरमेंट के लिए आपको अपनी इनकम का 15% इन्वेस्ट करना होगा। दोस्तों हालांकि ये बहुत ज्यादा लग सकता है, फिर भी कई रीजंस हैं कि इतना पैसा अलग क्यों रखना चाहिए। शुरुआत के लिए ओल्ड एज कोई मजाक नहीं होती है। दोस्तों अगर तब आपको लाइफ को कंफर्टेबल बनाए रखने के लिए दूसरों पर डिपेंड रहना पड़ता है, यह तब उस केस में बिल्कुल सच है अगर आप गवर्नमेंट पेंशन प्लान से दूर रहने की कोशिश में हैं। तो दोस्तों जब आप एक रिटायरमेंट की एज तक पहुंच जाते हैं तब तक हमारी नालायक गवर्नमेंट द्वारा हमें एक डिग्निफाइड लाइफ देने की पॉसिबिलिटीज एकदम नेग्लिजिबल हो जाती है। दोस्तों रिटायरमेंट के लिए सेविंग कम करना या इस पर ध्यान ना देना टेम्पटिंग लग सकता है दोस्तों, क्योंकि तब आप अपने बच्चों के कॉलेज फंड जैसी चीजों पर फोकस कर सकें या जल्दी से कर्ज चुका सकें। लेकिन आपको रिटायरमेंट के बाद आपके बच्चों की डिग्री आपको नहीं खिलाएगी दोस्तों, और बहुत से ओल्ड सिटीजन्स बिना किसी डिस्पोजेबल इनकम के किराए के मकानों में रहते हैं। दोस्तों एक बार जब आप अपनी इनकम का 15% हिस्सा इन्वेस्ट करने के लिए कमिटेड हो जाते हैं तो आपको इसे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए ये आपको जानना होगा। बेस्ट रिटर्न्स के लिए ऑथर म्यूचुअल फंड की सिफारिश करते हैं। पूरी हिस्ट्री में शेयर मार्केट का एवरेज रिटर्न 12% से कम ही रहा है। दोस्तों म्यूचुअल फंड इस ट्रेंड का फायदा उठाते हैं और इस तरीके से लॉन्ग पीरियड के इन्वेस्टमेंट के लिए एक बेस्ट ऑप्शन क्रिएट करते हैं। एक टिप उन सभी फंड्स को चूज करना है जिनके पास 5 साल से ज्यादा टाइम तक सॉलिड विनिंग रिकॉर्ड ट्रैक हो, आइडियली 10 से ज्यादा साल के लिए। दोस्तों मुनाफा कंफर्म करने के लिए डिफरेंट फंड्स में अपने इन्वेस्टमेंट में डिवर्सिटी लाना पक्का करिए। दोस्तों इसको फॉलो करने के लिए एक और अच्छा रूल भी है, 25% ग्रोथ और इनकम या ब्लू चिप फंड में डालिए। दोस्तों ग्रोथ या इक्विटी फंड में 25%, इंटरनेशनल फंड्स में 25% और फाइनली 25% एग्रेसिव फंड में डालना सेट करिए। दोस्तों यानी यह रिस्की तो है लेकिन हायर रिटर्न्स दे सकता है। स्टेप 5, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा कॉलेज जाए तो उन्हें डेट फ्री करने के लिए प्लान बनाइए। दोस्तों हाँ स्टेप 5 है, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अच्छे कॉलेज जाए तो उन्हें डेट फ्री बनाने के लिए प्लान बनाइए। आइए दोस्तों इसको डिटेल में सुनते हैं। लगभग हर पेरेंट अपने बच्चे को कॉलेज में भेजने का सपना देखते हैं और कई पेरेंट्स खुद को और अपने बच्चों को इस सपने को पूरा करने के लिए कर्ज में डुबोने को तैयार होते हैं। दोस्तों लेकिन जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया था, कर्ज को हर कीमत पर टाला जाना चाहिए। कर्ज के साथ कॉलेज की फंडिंग करने को एक ऑप्शन नहीं माना जाना चाहिए। दोस्तों एक कॉलेज लोन आपके बच्चे को लंबे समय के लिए बांधे रखेगा। स्टूडेंट्स की करंट जनरेशन ने अच्छे रीजंस के कारण ही निकनेम जनरेशन डेट कमाया है। दोस्तों वह कॉलेज से $25,000 से $27,000 तक के कर्ज के साथ ग्रेजुएट होते हैं और ये जल्द ही दूर नहीं होने वाला नहीं है। दोस्तों समझना इस बात को। तो आपको कॉलेज के लिए पे कैसे करना चाहिए? दोस्तों बेशक एक तरीका है स्कॉलरशिप हासिल करके या इस बिल को पे करने के लिए सिंपली सेविंग करके। फिर भी एक और तरीका है एक एजुकेशन सेविंग अकाउंट ESA का इस्तेमाल करना और इसे ग्रोथ स्टॉक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना।
अगर आप अपने बच्चे के जन्म से लेकर उसके 18th बर्थडे तक प्रीपेड ट्यूशन प्लान में $2,000 पर ईयर का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके पास $72,000 ट्यूशन के लिए होंगे दोस्तों। हालांकि अगर आप इसके बजाय म्यूचुअल फंड ESA में ऑन एन एवरेज 12% में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पास $1,26,000 एडुकेशन या लिविंग एक्सपेंसेस के लिए होंगे दोस्तों। और जब तक आप इस अकाउंट का यूज एडुकेशन एक्सपेंसेस को चुकाने के लिए करते हैं तब तक ये मनी टैक्स फ्री रहती है दोस्तों। लेकिन इस ऑप्शन के साथ भी आपको अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या आपके बच्चों के लिए इन्वेस्ट करने के लिए कॉलेज की डिग्री सही है ये जो आप उनको दिलवा रहे हैं। सक्सेसफुल लोगों के बारे में अपनी बुक इमोशनल इंटेलिजेंस में डैनियल गोलमैन कहते हैं कि सिर्फ 15% सक्सेस ही ट्रेनिंग और एडुकेशन से आती है, बाकी की 85% तो एटीट्यूड, सॉलिडिटी, हार्डवर्क और विजन के बलबूते आती है। ये बाद वाली क्वालिटीज आपको लाइफ में कागज के कुछ टुकड़े जिस पर डिग्री शब्द लिखा होता है उसकी तुलना में आपको बहुत आगे लेके जाएगी दोस्तों। तो क्या आपके बच्चे को कॉलेज जाने की जरूरत भी है? पूछिए अपने आप से एक बार पूरी ईमानदारी के साथ। हो सकता है आपकी पुरानी रीति रिवाज परंपराएं दिमाग में आड़े आए, पर तब भी फ्रेशली सोचिए दोस्तों कि आज के कॉन्टेक्स्ट में क्या आपके बच्चे को कॉलेज जाने की भी जरूरत है। अगर वहां जाने का मतलब सिर्फ कर्ज में डूबना है तो मैं तो कहूंगा या आप भी कहेंगे कि डेफिनेटली ये नहीं है दोस्तों। सिक्स्थ स्टेप, सबसे बड़े लोन को पे करके डेट फ्री होना है जो कि है आपका मॉर्गेज। हाँ दोस्तों, छठा स्टेप है सबसे बड़े लोन को पे करके डेट फ्री होना जो कि है मॉर्गेज। आइए इस पॉइंट को डिटेल में सुनते हैं। तो आप कब तक अपने मॉर्गेज को पे करते रहेंगे दोस्तों? अक्सर उन्हें चुकाते हुए कई दशक लग जाते हैं। टोटल मनी मेकओवर की सिक्स स्टेप इसे ही जल्द से जल्द चुकाने के बारे में है। ज्यादातर लोगों के लिए फाइनेंशियल फिटनेस को पाने के उनके रास्ते पर फाइनल रुकावट है और इसको चुकाने से वे बिल्कुल डेट फ्री यानी कर्ज मुक्त हो जाएंगे दोस्तों। हालांकि कई ऐसी अड़चने हैं जो आपको अपने मॉर्गेज को खत्म करने से रोक सकती हैं। उनसे बचना आपका काम है दोस्तों। उदाहरण के लिए, किसी ने कभी आपको ये सजेशन दिया होगा कि आपको अपने घर को गिरवी रख के पैसा उधार लेना चाहिए, लो इंटरेस्ट रेट का फायदा उठाना चाहिए और अपने पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। हो सकता है दोस्तों, लेकिन ये सभी टेरिबल एडवाइजेस होती हैं, ध्यान रखिएगा। हाइपोथेटिकली इमेजिन कीजिए कि आप 8% इंटरेस्ट पर अपने घर के ऊपर $1,00,000 का उधार लेते हैं, यानी कि इंडियन करेंसी में ये 70 लाख रुपए के करीबन है, और इससे आपको 12% रिटर्न वाले शेयर्स में इन्वेस्ट करने का मन बनता है। तो इस हिसाब से आपको $12,000 का फायदा मिलेगा। अपने मॉर्गेज के इंटरेस्ट को चुकाने के बाद इस मामले में यह $8,000 होता है, तो आपके पास हेल्दी अमाउंट यानी प्रॉफिट $4,000 बचता है, तो यह इतना बुरा भी नहीं है, है ना दोस्तों, ऐसा लगता है हमारे को। लेकिन इसमें उन सभी टैक्सेस और फीस को कंसिडर नहीं किया जाता जो स्टॉक मार्केट के साथ साथ चलते हैं दोस्तों। आखिर में आपके हाथ में लगभग $1,000 बचता है। इतने बड़े रिस्क के लिए आपको लगता है ये $1,000 शायद ही कुछ खास मनी है? सोचिए दोस्तों इस बारे में। तो एक और गलतफहमी ये भी होती है कि इसे 15 साल में वापस करने के वादे के साथ इसे 30 साल तक आप ले जा सकते हैं। हाँ, हम करते हैं, लेकिन आप डेफिनेटली उन खर्चों का भी हिसाब लगाइए तो आपका हिसाब पूरी तरीके से बिगड़ सकता है दोस्तों। हाई हीटिंग बिल्स, डॉग की वैक्सीनेशन, आपके बीमार बच्चे एक्सेट्रा, जो सारे खर्चे इस पूरे दौरान आपकी जिंदगी में आएंगे। और अगर वे ऐसा करने के लिए लॉ द्वारा मजबूर नहीं भी हैं तो भी वर्चुअली कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट करके क्विकली इस कर्जे को नहीं चुका पाएंगे आप। हालांकि कम से कम जितना हो सके मॉर्गेज लेना अक्सर बेहतर होता है, ऐसा लोग सोचते हैं। 30 साल के लिए 7% के मॉर्गेज की तुलना में 15 साल का मॉर्गेज आपको पहले वाले मॉर्गेज पर $1,50,000 की सेविंग देगा दोस्तों। तो कम साल के लिए लीजिए और इसको समझने का प्रयास करिए। तो जरा सोचिए दोस्तों इस तरीके से कि कम सालों पर मॉर्गेज लेकर आप कितना पैसा बचा सकते हैं और उस पैसे से आप क्या क्या कर सकते हैं। तो स्टेप 7 है, अपने प्लान को फॉलो करिए और अगर आपके पास मनी है तो ही उसे खर्च करिए, क्रेडिट पे नहीं दोस्तों। हाँ, स्टेप नंबर 7 है, अपने प्लान को फॉलो करिए और अगर आपके पास मनी है तो ही उसे खर्च करिए, क्रेडिट पे मत करिए दोस्तों। तो इस पॉइंट पर आप फाइनेंशियल फिटनेस के सही छोर पर होते हैं। आप अपनी जर्नी के लास्ट फेज में हो, बस सिर्फ एक फाइनल स्टेप दूर होते हैं दोस्तों, इसको समझिए। एक बार जब आप डेट फ्री हो जाते हैं और अपने फ्यूचर के लिए सेविंग करना शुरू कर देते हैं तो आपकी वेल्थ को बिल्ड करने का वक्त आ गया है दोस्तों। खुद को एक्सपर्ट के साथ घेरे रखिए, टैक्स एडवाइजर्स, CPAs, एस्टेट प्लानिंग अटॉर्नीज एक्सेट्रा जैसे लोग जो आपको इस बात की बढ़िया एडवाइस दे सकते हैं कि आपको अपनी मनी के साथ क्या करना है। और कुछ भी हो, अपने प्लान से चिपके रहिए दोस्तों। जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं
अपने आप को मार्केट में होने वाले छोटे छोटे बदलावों पर रिएक्ट करने के लिए ज्यादा झुका हुआ आप पाएंगे। खासकर अगर आपको डर है कि रिसेशन यानी मंदी का सामना करना पड़ रहा है आपको तब। लेकिन बिल्कुल भी हताश मत होइए दोस्तों, मार्केट के लॉन्ग टर्म ग्रोथ ट्रेंड की तुलना में यह छोटे झटके कुछ भी नहीं होते हैं। फाइनली ये समझे कि फाइनेंशियल फिटनेस का मतलब स्क्रूज की तरह रहना नहीं होता है दोस्तों। जब आपके बस में हो बेशक अपनी दौलत के साथ आप मजे कर सकते हैं, पर ऐसे ही नहीं जब आपके पास नहीं हो। फन टोटल मनी मेकओवर का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। क्या किसी को $30,000 की वॉच पहननी चाहिए दोस्तों? आप पूछिए अपने आप से। $50,000 की कार ड्राइव करनी चाहिए या 7 लाख के घर में रहना चाहिए? बिल्कुल, लेकिन तभी जब वे हकीकत में इसको अफोर्ड कर सके। क्रेडिट पे लेके ये सब काम मत करिए दोस्तों। आपको बस अपना पैसा खर्च करना सीखना होगा और उन चीजों पर जो आप अफोर्ड कर सकते हैं उन पर आप अपना पैसा खर्च करिए और बाकी सब बातों को भूल जाइए दोस्तों। जब राइट अपॉर्चुनिटी खुद में खुद सामने आती है तो आपको अपनी मनी देने या दान के लिए भी तैयार रहना चाहिए। मनी को देना या दान करना, इसे खर्च करना जितना ही मजेदार है और पॉसिबली उतना ही फायदेमंद भी है। जेनरस होना अच्छा है दोस्त, लेकिन दान देने से पहले आपके पास मनी होना भी तो चाहिए दोस्तों। तो लास्ट में फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आपने अपनी जर्नी पूरी कर ली है दोस्तों। अब ये कंफर्ट, हैप्पीनेस और सिक्योरिटी में बने रहने का, एंजॉय करने का वक्त आ गया है आपका। हाँ, जो आप कर सकते हैं। तो ये जबरदस्त किताब द टोटल मनी मेकओवर की बुक समरी के अंत में कुछ मेन पॉइंट्स मैं आपके सामने रिपीट करता हूं दोस्तों। पहला पॉइंट, डेट यानी कर्ज लाइफ में एक फैक्ट की तरह शामिल है, लेकिन हमें इसके रिस्क और खतरों को समझने की जरूरत है। कर्ज हमारी लाइफस्टाइल में इस तरीके से समाया हुआ है कि इसके बिना हमारी लाइफस्टाइल को इमेजिन करना भी मुश्किल हो जाता है। इसे हम फेमस फाइनेंशियल एक्सपर्ट देव रैमसे की एडवाइस पर बेस्ड 7 स्टेप्स को फॉलो करके सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, सेंस ऑफ अर्जेंसी को फील करना इजी नहीं है। यह सोचने की बजाय सिंपली चीजों को होने भी दे सकते हैं कि जैसा कि जब तक बात बिगड़ ना जाए उसके बाद ही आप कदम उठाएंगे। एग्जैक्टली यही अभी आपके साथ भी हो रहा है दोस्तों। आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी धीरे धीरे बर्बाद हो सकती है। तीसरा, इस बात को समझे कि फाइनेंशियल फिटनेस का मतलब स्क्रूज की तरह रहना नहीं है दोस्तों। जब आपके बस में हो बेशक अपनी दौलत के साथ आप मजे कर सकते हैं, लेकिन जब आपके पास नहीं है तो आप कर्जा लेके ऐसा ना करिए। जेनरस होना अच्छा है, लेकिन दान देने से पहले आपके पास पैसा भी तो होना चाहिए दान देने के लिए। चौथा पॉइंट, अगर आपको एक हाथी खाना होता है तो आप इसे एक ही बार में ट्राई करने की कोशिश मत करिए दोस्तों। आप शायद डेली एक पैर से स्टार्ट कर सकते हैं, फिर सूंड की तरफ जा सकते हैं, फिर बॉडी, फिर थोड़ा थोड़ा करके। ठीक यही बात आपके फाइनेंस को मैनेज करने और उसको मेंटेन करने पर भी अप्लाई होती है। यानी एक बार में एक स्टेप को फॉलो करते हुए आप चलिए दोस्तों। तो अंत में मैं आपसे यही कहूंगा, ज्यादातर लोगों के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी एक कंफर्टिंग इल्यूजन से थोड़ा ज्यादा है। हालांकि आप 7 बेबी स्टेप को फॉलो करके अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को बदल सकते हैं, जो आपको डेट फ्री और फाइनेंशियल सक्सेसफुल लाइफ की ओर ले जा सकती है। धन्यवाद। आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इस बुक को खरीद सकते हैं। दोस्तों, हम हमेशा से चाहते हैं कि आप अपना बेस्ट वर्जन बने और सफलता और खुशी अपनी जिंदगी में दोनों हासिल करें। अधिक से अधिक लोगों की जिंदगी में आप अपने टैलेंट से पॉजिटिव चेंज लाने में उनकी मदद करें। इसी एफर्ट के चलते उड़ान एनजीओ चैनल पर हम दुनिया की सर्वश्रेष्ठ किताबों की समरी सरल और आसान भाषा में डाल रहे हैं। दोस्तों, हमारी अधिक से अधिक समरी सुने और उन्हें अपने जीवन में लगाएं। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में डालते रहें और अगर आपको हमारी कोई भी समरी पसंद आती है तो उसे अपने जानकारों के साथ अवश्य शेयर करें। दोस्तों, आप हमारी समरीज को किताबी कीड़े ऐप पर भी सुन सकते हैं। दोस्तों, हो सकता है कि आप अपने जीवन में काफी सफल हों या सफल बनने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हों, मगर कुछ अनजाने कारणों से आप अपने और अपने गोल्स के बीच कुछ चैलेंज महसूस कर रहे हैं, कुछ ब्लॉक्स महसूस कर रहे हैं। तो मैं आदि गुरुदास आपकी इसमें पर्सनली मदद कर सकता हूं दोस्तों, 1-on-1 कोचिंग सेशन लेके। तो दोस्तों, यदि आप अपने लिए पर्सनल कोचिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं या मुझसे एग्जैक्टिव कोचिंग लेना चाहते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई कोचिंग सेशन लेना चाहते हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप मुझे 9829644744 या 9024022331 पर संपर्क कर सकते हैं। आप हमें इन नंबर्स पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं दोस्तों, हमारे काउंसलर्स आपसे संपर्क करेंगे। धन्यवाद।